नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। जिला अधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भेड़ी डांडा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें 2004 से चल रही गांव में चाकबंदी को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर शिथिलता मिलने पर चाकबंदी अधिकारी को फटकार लगाई और ग्रामीणों से आवास व शौचालय के विषय में जानकारी ली। ग्रामीण उमाकांत प्रजापति ने चाकबंदी लेखपाल भरत कुमार वर्मा की शिकायत जिलाधिकारी से की। एक शिकायत में बताया गया कि अभी तक मुझे आवास व राशन कार्ड नहीं बना है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड व आवास के लिए बीडीओ गजेंद्र प्रताप को निर्देशित किया। जल निगम विभाग की लापरवाही से पानी न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने शिकायत की। ग्रामीण संतोष सिंह, देव सिंह, बहादुर अनुरागी आदि ने बताया कि गांव में पाइपलाइन चौक हो चुकी है, जिससे गांव के 90% ग्रामीणों को एक वर्ष से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लिखित शिकायत पर जल निगम के एक्शन को जमकर फटकार लगाई व तत्काल लाइन को सही कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र में खाना न बनने पर ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।